Hello friends, yes, today I will discuss English subject standard 7. Yes, standard 7 का हम पढ़ रहे थे activity number 5. Activity number 5 का हमने part first पढ़ा था बेटा, ये एक story थी और ये story थी हमारी किसकी बेटा, तेजस्विनी की. तेजस्विनी की story जो थी smiley in the mirror. Yes, तो हमने part first यहाँ पर read कर लिया था और I hopefully आप लोगों ने understood किया होगा. आज हम क्या करें करने वाले हैं बेटा, इसी का पार्ट टू जो है वो रीड करने वाले हैं, राइट. तो हमने क्या देखा था, हम थोड़ा सा इसको रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं कि हमने क्या देखा था बेटा, कि जो तेजस्विनी होती है उसका ट्वेल्थ बर्थडे होता है और ट्वेल्थ बर्थडे पर उसके पापा जो है उसके लिए क्या लेके आते हैं, यूनिक बाइसिकल. और उस बाइसिकल को लेके वो काफ़ी क्या थी, हैप्पी थी और अपनी बाइसिकल को वो क्या करती है, राइडिंग करने के लिए निकल जाती है, राइट. तो ये काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी. नाउ सी वॉज ओवर द फार्मर्स एंड फील्ड, ग्रीन फील्ड, शी वॉज इंजॉय द ब्यूटिफुल व्यू. यस, वो क्या कह रही है बेटा कि बहुत उसे मज़ा आ रहा था क्योंकि हरा हरा वो क्या देख रही थी बेटा, फील्ड्स देख रही थी. फील्ड्स मतलब खेत, हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे और बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय कर रही थी. बहुत सुंदर जो व्यू था, व्यू मतलब बेटा जो दृश्य था वो काफ़ी खूबसूरत था. देन सी नोटिस अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, उसने एक चीज़ को नोटिस किया. नोटिस करना मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखा. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब एक पक्षियों का झुंड आया. और हर वे उसके रास्ते में एक पक्षियों का क्या आया बेटा, झुंड. सी अप्लाइड द बीक्स, उन्होंने क्या किया उस पर बिक मारी. बिक मतलब क्या होता है बेटा, उसकी चोंच को उसने उस पर अप्लाइड किया. किसके ऊपर, तेजस्विनी के ऊपर. द फैन स्टॉप्ड, उसका जो फैन था, हमने देखा था ना कि तेजस्विनी के बाइसिकल के आगे एक रेड बटन होता है और जैसे वो उस रेड बटन को वो ऑन करती है तो हमने देखा था क्या था बेटा, उस बाइसिकल के बिल्कुल जो व्हील्स था वहाँ से एक फ़ैन निकल आया था. तो तेजस्विनी यहाँ पर क्या कहती है बेटा कि जैसे ही यहाँ पर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ने बिक मारा, बिक मतलब होता है चोंच मारी, द फैन स्टॉप्ड, उसका जो फ़ैन था जो उड़ रहा था जिसकी वजह से वो आकाश में क्या कर रही थी, फ्लाइंग कर रही थी, वो क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है. एंड द बाइक स्टार्टेड कमिंग डाउन, तेजस्विनी क्लोजर हर आईज एंड हील द हैंड एट विलिट, बट विद इन सेकेंड धम शी क्राइड आउट ओ मा. यस, क्या होता है बेटा, जैसे ही उसने चोंच मारी होती है तो उसकी जो बाइसिकल है वो क्या हो जाती है बेटा, नीचे गिर जाती है और उसका जो फैन होता है वो स्टॉप हो जाता है. वो जोर से क्या होती है बेटा, नीचे गिरती है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो क्या देखती है कि मैं तो धड़ाम से क्या हो गई हूँ, नीचे गिर गई. और वो जोर जोर से क्या करने लग जाती है, क्राइड. क्राइड मतलब होता है रोने लगती, ओ माँ ओ माँ. सी ओपन हर आइज, उसने अपनी आँखों को खोला, ओ माई गॉड इट वॉज ड्रीम, यह तो मेरा सपना था, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो मेरा क्या था, सपना था. शी गॉट अप, वो खड़ी होती है, वॉश हर फेस, अपने चेहरे को धोती है, एंड लुक्ड इनटू द मिरर, वो क्या करती है बेटा, मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर, कांच के अंदर अपने फेस को देखती. इट वॉज अ ड्रीम, यह तो एक सपना था दिस टाइम, बट इट विल नॉट बी ड्रीम फॉर एवर, ये आज तो सपना था लेकिन ज़रूरी नहीं ये लंबे टाइम तक यही सपना रहेगा. She promised herself, उसने खुद से प्रॉमिस किया कि आई विल मेक अ बाइक लाइक दिस अ फ्लाई ओवर माई विलेज. यस, मैं एक ऐसी बाइसिकल तैयार करूँगी जो क्या करेगी बेटा, फ्लाई करेगी, यानी कि उड़ेगी, आकाश के अंदर उड़ेगी और मैं उससे पूरा जो विलेज वो क्या कर पाऊँगी, देख पाऊँगी. सी स्माइल्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, और वो क्या करती है बेटा, खुद ही स्वयं ही मिरर के अंदर क्या करती है, स्माइल करती है, मुस्कुराती है. तो आपको समझ में आया बेटा, स्माइल इन द मिरर क्या था, यहाँ पर तेजस्विनी का एक छोटा सा सपना था और सपने को वो क्या होता, सपने में बहुत कुछ इमेजिन कर लेती कि उसके पास एक ऐसी बाइसिकल है जिस बाइसिकल से वो आकाश में उड़ रही है और बहुत सारे व्यूज़ उसने देखे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं, है ना बेटा. तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया. अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 6. एक्टिविटी 6 जो है बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कंप्लीट करना है. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लाइंग, कम डाउन, रेड बटन एंड ड्रीम. तो तेजस्विनी बाइसिकल हैड अ
रेड बटन। यस तेजस्वनी की बाइसिकल के पास क्या था बेटा? एक रेड बटन था। रेड मतलब क्या होता है? लाल बटन। तेजस्वनी बाइसिकल वॉज डैश इन द स्काई। तेजस्वनी की बाइसिकल जो क्या कर रही थी? इन द स्काई पर फ्लाइंग कर रही थी। फ्लाइंग करना मतलब क्या होता है बेटा? उड़ रही थी। यस नेक्स्ट क्या है बेटा? तेजस्वनी अप्लाइड द बीक्स टू सेव। यस तो तेजस्वनी की जो क्या बोलते हैं बाइसिकल होती है राइट बेटा, उस पर अप्लाइड द बिग्स। बिग्स कौन लगाता है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। द फ्लाइंग बाइसिकल वॉज ऑनली। यस ये जो फ्लाइंग बाइसिकल थी वॉज ऑनली अ ड्रीम। उसका एक उसने सपने में देखा था कि मेरे पास क्या है? एक फ्लाइंग उड़ती हुई बाइसिकल है। तेजस्वनी क्राइड आउट बिकॉज सी डैश डैश फ्रॉम स्काई टू लैंड। यस तेजस्वनी जोर से क्राइड करती है, चिल्लाती है। क्योंकि वो क्या हो जाती है बेटा? कम डाउन, वो नीचे गिर जाती है। कहाँ से? स्काई से। स्काई मतलब आकाश से जमीन की तरफ। तेजस्वनी वॉज डैश डैश ईयर ओल्ड। तेजस्वनी कितने साल की थी बेटा? 11, 12, 10 या 2011? यस 12 ईयर्स थी। तेजस्वनी कितने साल की थी बच्चा? 12 ईयर्स की थी। द रफ पाथ वॉज, जो खुदरा हुआ पाथ था वो कहाँ था? इन द विलीज, इन द स्काई, इन द रिवर या ऑन द रिवर बैंक? ऑन द रिवर बैंक, करेक्ट बेटा। तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक करना है। देन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, तेजस्वनीज ड्रीम। तेजस्वनी का क्या सपना था बेटा? यस टू मेक अ मैजिक कार। क्या उसको एक मैजिक कार चाहिए थी? नो। टू मेक अ न्यू बोट, उसको एक नई बोट चाहिए थी? नो। टू मेक अ न्यू फैन, क्या उसको एक नया फैन चाहिए था? नो। टू मेक अ रियल फ्लाइंग बाइसिकल, उसे एक ऐसे बाइसिकल चाहिए थी जो क्या कर रही हो बेटा? उड़ती हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा बेटा? बी। तो आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन आंसर सारे आपको क्या करने बेटा? अपनी नोटबुक में करना है। ओके नेक्स्ट है यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 8, जो आपकी तेजस्वनी से रिलेटेड ही है बेटा। आपको इसमें क्या करना है? आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आंसर देना। हु गिफ्टेड अ बाइसिकल टू तेजस्वनी, कौन तेजस्वनी को गिफ्ट में यानी कि उपहार के रूप में बाइसिकल देता है? यस तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर रीड किया था बेटा कि हर फादर गिफ्टेड अ बाइसिकल टू तेजस्वनी, कि उसके पापा जो होते हैं वो तेजस्वनी को क्या देते हैं बेटा? बाइसिकल देते हैं। ओके तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो आपको ये लिखना रहेगा। व्हाट डिड तेजस्वनी सी ऑन द रूफ ऑफ हर स्कूल, क्या देखती है बेटा? शी मतलब होता है देखना। तेजस्वनी उसके स्कूल की छत पर क्या देखती है? तो यस आपका आंसर रहेगा तेजस्वनी सो लीव्स ऑफ ट्री ऑन द रूफ ऑफ हर स्कूल। वो क्या देखती बेटा? कि कुछ क्या थी बेटा यहाँ पर? पेड़ की पत्तियाँ गिरी हुई थी। कहाँ पर? स्कूल की छत पर। क्लियर, यही देखा था ना उसने। और उसने ये भी डिसाइड किया था कि अगले ही दिन जाकर वो क्या करेगी? उसको साफ करेगी। बट आपको यहाँ पे बताना कि क्या देखा था, तो आपको इतना ही लिखना है बेटा कि उसने क्या देखा था? लीव्स ऑफ ट्री मतलब पेड़ की पत्तियाँ देखी थी। ओके क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका रहेगा बेटा, डिस्क्राइबिंग तेजस्वनीज बाइसिकल इन 2 सेंटेंस। आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करना मतलब होता है बेटा वर्णन करना है। क्या वर्णन करना है? तेजस्वनीज बाइसिकल इन 2 सेंटेंस। आपको तेजस्वनी की बाइसिकल पे 2 बातें बतानी है। जैसे हमने पढ़ा था, यस इट वॉज अ यूनिक बाइक, उसके पास एक बहुत ही यूनिक सी क्या थी बेटा? बाइक थी। तो फर्स्ट आपका हो गया ब्लू इन कलर, उसका कलर कैसा था बेटा? ब्लू इन कलर। सॉफ्ट सीट, एकदम ब्लू कलर था उसका, नीले कलर की थी उसकी सीट जो थी, काफ़ी सॉफ्ट थी। अ लिटिल बेल एंड अ रिवर व्यू व्यू मिरर, यस सॉफ्ट सीट थी, एक लिटिल से छोटी सी बेल थी एंड रिवर व्यू मिरर, और उसके पास में ही एक क्या था बेटा? मिरर था। मिरर मतलब क्या होता है? दर्पण था, राइट बेटा। तो ये आप लोगों को मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर बाइसिकल के ऊपर बताया भी था। राइट 2 सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका रहेगा बेटा, राइट अ 2 सेंटेंस अबाउट योर ड्रीम। यस यहाँ पर आपको क्या करना है? योर ड्रीम, आपका जो सपना है
कोई भी सपना हो सकता है ना बेटा। तो आपका जो सपना है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, टू सेंटेंस लिखना। हो सकता है आप सुपरमैन बनना चाहते हो, शक्तिमान, या व्हाटएवर जो भी आप लोगों को बनना है, या जो भी आपका ड्रीम है, आपका जो सपना है, वो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, लिखना है। ओके, तो ये आपको खुद स्वयं करना रहेगा बेटा, क्योंकि योर ड्रीम, आपका सपना है, इसलिए आपको अपने ड्रीम के टू सेंटेंस यहाँ पर क्या करने बेटा, लिखने हैं। तो यस, तो यहाँ पर आपका ये जो स्माइली इन द मिरर जो चैप्टर था वो यहाँ पर फिनिश होता है। हमने यहाँ पर एक्टिविटी 6, 7 और जो आपका रहा था बेटा एक्टिविटी नंबर 5 कंप्लीट किया है। ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में, होमवर्क में करना रहेगा। और आपको क्या करना है बेटा, अ यूनिक बाइसिकल पर ऐसे भी लिखना रहेगा। ओके, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।